भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। किन्नौर के कांचे गांव में युवक की हत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच से असंतुष्ट ग्रामीणों ने NH-5 को भावानगर में करीब 3 घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का पुलिस प्रशासन पर यह आरोप था कि मामले में केवल नेपाली को अभियुक्त बनाकर 2 अन्य स्थानीय लोगों को पुलिस द्वारा बचाया जा रहा है। गौरतलब है, निचार उपमंडल के कांचे में आपसी कहासुनी में स्थानीय युवक की मौत हो गई थी। हत्या के आरोप में कांचे गांव में स्थानीय व्यक्ति के पास कार्य करने वाले 24 वर्षीय नेपाली मूल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार रात को कांचे के सुनील, विजय व टीकम सिंह नेपाली युवक राजू के साथ गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान सुनील की राजू से किसी बात को लेकर बहस हो गई व दोनों गाड़ी से बाहर आकर झगड़ने लगे। झगड़ा बढ़ता देख टीकम व विजय गाड़ी के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सुनील की गर्दन के पीछे से काफी मात्रा में खून बह रहा है। आरोपी राजू को रात को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया व सुनील के शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC भावानगर लाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने जांच में लापरवाही की है। सुनील के साथ बैठकर शराब पीने वालों को बचाया जा रहा है। SDM भावानगर, DSP मुख्यालय व DSP भावानगर तथा स्थानीय विधायक की मध्यस्थता के बाद ही जाम खुल पाया। स्थानीय प्रशासन के अन्य दोनों व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण NH से हटे। नहीं पूछा आप दोनों को भी, हम दो माँ बाप को भी नहीं पूछा, इन्होंने नहीं पूछा। पुलिस वालों ने किसी का कॉल आके वो कॉल करके फटाफट उठा के ले गए। रोड में पटा था मेरा बच्चा, काटा दराड़े टुकड़े टुकड़े किए थे मेरे बच्चे को, टुकड़े टुकड़े किए थे। पुलिस वाले आके उठा के ले गया इन लोगों ने। बाप बन गया शशि और टिकम है ना, गोरखे को फंसा दिया, बाप बन गया टिकम और शशि। हमारे गांव के थे शशि और टिकम, वो हमारे गांव के एक जो है गोरखा था, एक को छुपाया होगा और जो है उनको सबको इकट्ठे करे, और इन्होंने जब वो गोरखा जब उसको मार रहा था वो जो है उसके ऊपर बार कर रहा था दिया। तो उन दोनों ने क्या उसको तमाशा देखते रहे, साइड में खड़े रहे, दो आदमी खड़े थे, गांव का बंदा था, क्या कर रहे हैं देखते रह गए वो लोग। हमारा तो कोई पता नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। मेंबर के साथ गए हम लोग और जो लोग यहाँ पर आए थे वो विश्वस्त हुए, कन्विंस हुए, और अभी दो ढाई घंटे के समय के बाद ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया गया है और फर्दर पुलिस अपना आगे इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए किन्नौर से अरुण नेगी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।